फ्रेंड, इस सामने आप जो पैनल देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक रोटेशन स्टार्टर का पैनल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मोटर है जो कि थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। हमारे पास है जो कि स्टार्टर है वो मैनुअल है, इसके ज़रिए हम रोटर का रेजिस्टेंस मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसको हमने डेवलप करके बनाया है ऑटोमेटिक रोटेशन स्टार्टर। देख सकते हो इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर है एमीटर, वोल्टमीटर है, इंडिकेटर भी है, और यहाँ पर हमने स्पेशली लिया है थ्री ट्रांसफार्मर जो कि थ्री फेज के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो शो कर रहा है आर फेज, वाई फेज, बी फेज, और यह है मेन ट्रांसफार्मर जो कि सारे सर्किट को ऑपरेट करेगा। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं इसमें दिखाएगा कहीं पर अगर फॉल्ट होता है तो ये शो करेगा कहाँ पर फॉल्ट हुआ है। यह है टाइमर वन, टाइमर टू, यह है कंट्रोल सर्किट, फुल सर्किट हुए फुल पैनल को ये कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह थर्मल रिले, अगर सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये सर्किट को ऑफ करेगा। यह है मेन कंडक्टर, कंडक्टर वन, यह कंडक्टर टू, ये जब मोटर ऑन होगा तभी ये ऑन होगा, और ये वाला जब रेजिस्टेंस रोटर का रेजिस्टेंस जब जीरो होगा तभी ये ऑन होगा। और ये जो रिले के सर्किट आप देख रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप रोटर का रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज करते जाएगा, लास्ट में इस रिले के जरिए उसको जीरो कर देगा। तो अब हम ऑन करते हैं, मोटर भी ऑन हो रहा है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे वो कंट्रोल हो रहा है। लास्ट में रेजिस्टेंस जैसे जीरो हो गए और मोटर अभी फुल स्पीड पर चल रहा है। अगर चलने के बावजूद जो थ्री फेज देख रहे हैं आप, इनमें से कोई एक फेज अगर मिस हो जाए, मतलब कि आर वाई फेज में से अगर वाई फेज कहीं चला जाए, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अगर वाई फेज मिस हो गया तो ये दिखा रहा है क्या है, फॉल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई फेज नहीं आ रहा है, तो अभी मोटर ऑफ हो गया है। अगर हम इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे तो ऑन नहीं होगा जब तक ये फेज नहीं आएगा। अब वाई आ गया तो फॉल्ट कुछ ही फॉल्ट नहीं है। इसी तरह अगर आर भी मिस हो जाए तो मोटर ऑन नहीं होगा, बी भी मिस हो जाए तो मोटर ऑन नहीं होगा। तो ये सर्किट कैसे काम करता है, जब हम सप्लाई देंगे तो वो सप्लाई सीधा आएगा फेज डिटेक्टर को, जहाँ पर डिटेक्ट करेगा कौन सा फेज है और कौन सा फेज नहीं है। उसके बाद जाएगा मेन कंट्रोलर बोर्ड को, वहाँ से जाएगा टाइमर वन, देन टाइमर टू, उसके बाद जाएगा इस रिले सर्किट में जहाँ पर रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर है दो कंडक्टर जो कि मोटर को ऑपरेट करेगा। तो ये है सर्किट का फुल कंस्ट्रक्शन। इसी तरह का ऑटोमेटिक बहुत सारे स्टार्टर हमारे लैब में है जो हमने कुछ बनाया है लैब पर। अगर वो सब आप देखना चाहते हो तो कमेंट पर ज़रूर लिखना।